बच्चों, आज फिर हम आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो एक और क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चनों में वीडियो बड़ी हो जाती है, आप लोग भी बोर होते होंगे। तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आप करा रहा हूँ, वो लमसम हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास टेंथ वाले बच्चे जो टेंथ में है या टेंथ में आना हो, और जो बच्चों का पेपर कैंसिल हो गया है वो आगे क्लास में जाएंगे, लेकिन ऐसा सम सुने 11th में भी मिलेगा, वो लोग भी देखना चाहें देख सकते हैं। तो आओ बच्चों देखते हैं, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम की। वैसे CBSE बोर्ड ने तो आज क्लास टेंथ की एग्जाम कैंसिल कर दी है, लेकिन अभी अदर बोर्ड्स के एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर है क्या, या जो बच्चे 9th में हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, अदर एक्सरसाइज फिर से सॉल्व कराएंगे। देखिए ये दिया है, मैं प्रूव करना है। टाइम थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस टाइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, ये प्रूव करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछा ही जाता है। और देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले टेकिंग LHS, LHS हमारा क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। जो LHS गिवन होता है उसे पहले हम नोट कर लेते हैं। अब देखिएगा RHS में सेक और कोसेक लाना है, तो सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। साइन और कॉस में क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। पता ही होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन का होता है। इसी का जो उल्टा होता है कॉट, कॉट में क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये दो फार्मूले फिलहाल अभी देखिए। अब जहां टाइम कॉट है ये वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे 1 है तो 1 लिख देंगे, और कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन लिखेंगे। ठीक, कोई यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो कमेंट में आप बता सकते हो। कॉट की जगह हम क्या लिख रहे हैं, कॉस अपॉन साइन, और टाइम की जगह साइन अपॉन कॉस, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहां एलसीएम लीचे लेंगे नीचे से। तो देखिएगा एलसीएम लेने के बाद कैसा होगा ये क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर अपॉन दिया ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस का साइन है प्लस लगा दीजिए, यहां भी वैसे ही लिखेंगे बिल्कुल, यहां भी एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इनका रेसिप्रोकल करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ, इसके साथ आ जाएगा, उसी तरह ये यहाँ आ जाएगा, ये इसके साथ रहेगा। किससे किसका मल्टीप्लाई होता है, इससे इसका होगा, और इन दोनों का बीच में किनारे किनारे, जैसे कोई चीज ए अपॉन बी है दूसरी सी अपॉन डी है, तो हम कैसे इसको लिखते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का इससे, या चेंज करना है तो ए अपॉन बी, ये क्या लिखा है, ए अपॉन बी, और इसको जो करते हैं तो क्या हो जाता है, डी अपॉन सी, रेसिप्रोकल हो जाता है, वही चीज यहां पर भी है। तो इसको क्या करेंगे, आओ देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा,
ये तो यहाँ आ जाए कॉस थीटा, इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ लिख लेंगे कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख दिया। फिर साइन यहाँ प्लस का है तो प्लस लिख लीजिए, ये ऊपर जाएगा तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे साइन साइन लिख दिया थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रहेगा। अब ये देखिए ये चीज लिख दी है। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर यहां सेम नहीं है, यहां कॉस माइनस का है यहां कॉस प्लस का है, ठीक ये तो सेम है लेकिन साइन का फर्क है, तो हम क्या करेंगे साइन सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, यहां कॉस है यहां साइन है तो कॉस से इसको मल्टीप्लाई कर दें, कॉस से इसको साइन से तो बराबर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे और देखते हैं। अब पहले तो हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए, बस ये कॉस जैसे वैसे उतार दिया, फिर साइन माइनस कॉस थीटा, अब इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे, इसमें क्या करेंगे माइनस कॉमन ले, माइनस इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन लेंगे तो भी नहीं बनेगा, बनेगा कोई चांस नहीं दिख रहा है कि इसमें माइनस लेने से कुछ कॉमन हो जाए। क्वेश्चन तो सही लिखा है ना, क्वेश्चन ही बच्चों हमने क्या किया है थोड़ा मिस्टेक लिखी है, उसको सही कर लेता हूं। यहां है माइनस, क्वेश्चन में क्या है माइनस है तो माइनस बना लेते हैं पहले, यहां पर माइनस है इसीलिए तो कॉमन में कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ये माइनस लिख लिया, जहां छूट गया हो बच्चों बना दीजिएगा, मैंने तो वैसे देख लिया, अगर कहीं फिर भी मिस हो रहा हो तो आप लोग उसे सुधार लेना। अब यहां हम माइनस कॉमन लेंगे तो सेम हो जाए, अगर माइनस कॉमन ले ले तो साइन प्लस का हो जाएगा कॉस माइनस का, क्योंकि साइन माइनस का है, जब माइनस कॉमन लेंगे साइन क्या होगा पॉजिटिव, कॉस निगेटिव, यही चीज आ जाएगी, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन बदल जाएगा माइनस का, ठीक तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा नीचे साइन थीटा और कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। जब ये साइन बदलेंगे तो यही चीज यहाँ आ जाएगी, बदला क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, ये चीज हमारी कॉमन बन रही है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास ये चीज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा क्रॉस करिए क्या आएगा ध्यान से देखना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया जैसे है, ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके नीचे जैसे फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर दिया। अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बच्चों आपने नाइन्थ में पढ़ा है अभी हाल ही में, तो क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी पे इसको खोल देना है, खोल देते हैं देखिएगा, इसको जैसे है अभी वैसे फिलहाल लिखना है। अब इसमें हम फॉर आइडेंटिटी लगाएंगे तो पहले ए माइनस बी, ए हमारा साइन है बी हमारा कॉस है, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। फिर ए बी है तो साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सट गया है उधर, जगह कम होने के कारण नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है तो उसकी जगह वन लिख दिया जाएगा, वन। बच्चा क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू वन होती है बच्चों, याद रखिएगा, नहीं तो यहाँ लिखे दे रहा हूँ। चूंकि लगा दिया है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये चीज लिख दिया। अब इसीलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन लिख दी, और ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। अब डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग करेंगे तो ये वन के नीचे पूरा आ जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया कैंसिल। इसकी जगह क्या आ जाएगा वन, ये वन बार में कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, वन अपॉन साइन ऐसे लिखेंगे, वन अपॉन कॉस वन अपॉन साइन, ये वन आया तो वन पहले लिख लीजिए, प्लस है प्लस लगा दीजिए, पहले ये वन बचा वन लिखेंगे, फिर इसको अलग कर देंगे। तो यहाँ देखिए सेक पहले है तो वन अपॉन कॉस लिखिए इनटू वन अपॉन साइन, वन लिखा, अब प्लस है प्लस वन अपॉन कॉस, क्या ये दोनों इंटू में इंटू करोगे तो यही आएगा, इसलिए अलग करके लिखा है क्योंकि अब ये चीज लानी है। वन अपॉन कॉस बच्चों सेक होता है और वन अपॉन साइन कोसेक होता है, यही चीज हमें प्रूव्ड करना था। ये आ गया हमारा आरएचएस, यही हमें क्या करना था प्रूव्ड करना था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको एक दो बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आ जाएगा। दो तीन जो आइडेंटिटी लगी हो उन्हें भी याद कर लेना है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।